अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। सो अभी सुबह के 8:30 हो चुके हैं और माशाल्लाह नौशाद भाई कड़ोदरा से निकले हैं, और कुछ साथी उनके साथ भी मौजूद हैं और इंशाल्लाह आज 40 किलोमीटर चलने का प्लान है इंशाल्लाह। तो उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, जो टारगेट है तो 40 किलोमीटर का है इंशाल्लाह, उसे पूरा करेंगे और इंशाल्लाह हम लोग अभी दोपहर में कैम्ब्रिज में रुकेंगे, दोपहर में जो इधर से 17 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और इंशाल्लाह उधर से फिर 23 किलोमीटर रहेगा इंशाल्लाह, तो उसे हम चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सो अहमदाबाद इधर से 260 किलोमीटर, कैम्ब्रिज 10 किलोमीटर है इंशाल्लाह। नौशाद भाई के साथ में कुछ लोग मुलाकात के लिए आए थे, तो कल रात हम सागर ढाबा में रुके थे जो कड़ोदरा में है, वहाँ हम लोग एक दिन एक्स्ट्रा रुके थे क्योंकि कल होल्ड करना पड़ा, कल आराम की ज़रूरत थी नौशाद भाई को, तो आराम कर रहे थे एक दिन। तो और माशाल्लाह अभी आज 7 तारीख है, तो ये 7 तारीख तो आज निकले हैं माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। सो अभी हम लोग अभी कैम्ब्रिज पहुंच चुके हैं, बस 1 किलोमीटर पीछे हैं, तो इंशाल्लाह दोपहर में कैम्ब्रिज में रुकेंगे इंशाल्लाह और अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे। यहाँ पे एक होटल है तो इधर पे थोड़ा नाश्ता पानी करेंगे इंशाल्लाह। भाई आजा, भाई वाले भाई आजा आजा आजा।
रुकना था ना, रात को सुबह निकल जाते तो सफर तो। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और अभी शाम के 4:30 बज चुके हैं और हम लोग आज सुबह में कड़ोदरा सागर ढाबा में रुके थे। तो माशाल्लाह अभी 18 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। दोपहर में इधर रुके थे कीम कामेज में और अभी निकले हैं कीम की तरफ। और इंशाल्लाह कीम में जो रोज़ गार्डन बोल के जो होटल है तो इंशाल्लाह आज वहाँ रुकेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ से लगभग 25 से 24 किलोमीटर है समथिंग। और इंशाल्लाह नौशाद भाई के साथ बहुत से साथी जो हमारे मुसलमान भाई, हिंदू भाई, क्रिश्चियन भाई, सब लोग जो नौशाद भाई के साथ मिलकर आ रहे हैं पैदल माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। और दुआ है कि नौशाद भाई का सफ़र आसान हो माशाल्लाह। इंशाल्लाह आज टीम जाएंगे, टीम में क़याम होगा और इंशाल्लाह सुबह उधर से निकलेंगे इंशाल्लाह। भाई थोड़ा सा अभी कामरेड से आगे आ चुके हैं, टीम की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पर थोड़ी भीड़ भाड़ भी है और काफ़ी लोग भी जम चुके हैं माशाल्लाह। और आते ही जा रहे हैं मुलाकात के लिए नौशाद भाई से, नौशाद भाई से मुलाकात करने के लिए। बस अभी और कुछ लोग आ रहे आते ही जा रहे हैं। और अभी 5:15 हो चुके हैं और अभी नमाज़ का भी वो असर की नमाज़ का वक्त हो रहा है। तो अभी हम लोग असर नमाज
पढ़ने जाएंगे। गांव का नाम बीपोदरा है, यहां असर की नमाज पढ़ेंगे हम। और ये गांव का नाम बीपोदरा है और यहां पर जो मस्जिद है वहां पर हम नमाज को अदा करेंगे इंशाल्लाह। और हमारे सभी भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं माशाल्लाह, अल्लाह उनके जज्बों को बुलंद रखे। और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। और अभी नमाज पढ़कर अभी बाहर निकल चुके हैं और अभी माशाल्लाह अभी यहीं यहाँ कहीं भीड़ जमी हुई है, बहुत से बहुत भीड़ जमी है तो माशाल्लाह अभी इधर बहुत से लोग मिलने भी आए हुए हैं नमसा भी तो इंशाल्लाह अभी और आगे जाएंगे। भाई सब साथ ही पीछे चले, उनको आगे चलने दो। मुलाकात चलिए चलो 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 भाई सब सब साथ ही पीछे चलने दो फटाफट। हाँ सामने की मौलाना भाई सब साथ ही पीछे चले जाओ। मौलाना सलाम दुआ कर लो, सलाम दुआ बस चलो अपनी भाई सब सब बच्चे पीछे चले। हाँ हाँ बिल्कुल जवाब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। और अभी हम लोग नमाज पढ़कर असर की नमाज पढ़कर निकल चुके हैं और माशाल्लाह नौशाद भाई से मिलने के लिए बहुत भीड़ जमी है और बहुत से लोग मुलाकात के लिए आए हुए हैं इंशाल्लाह। तो अभी जाएंगे इंशाल्लाह। मुलाकात लेकर हल्दी आवे मुलाकात होगी भाई।
मशीन है। भाई इसको बंद कर, अरे रिमोट से निकल, आओ कर दो आराम से, फुल फुल और मत अभी बोले, अभी बोले ठोके दे तो ठोक जाएगा बराबर, भाई मैं खुद ही साइड पर।